इंटीरियर्स देने वाला हूँ और इस वीडियो में बनाए जाए कि किसी तरह से एयरपोर्ट पे बनाया गया हो और यहाँ से नीचे होकर के लिफ्ट से डिपार्चर के लिए इंटरनेशनल के लिए ऊपर जाना है। चलिए चलते हैं। आप लोग इंटरनेशनल के लिए अगर जाते हैं तो सारी डिटेल्स मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ पे जो PCR का टेस्ट अभी चल रहा है, जैसे कि आप PCR का टेस्टिंग कर रहे हैं, आते हैं यहाँ पे COVID-19 टेस्ट करा के भी, तो यहाँ पे PCR आपको कराना पड़ेगा। तो PCR के लिए आप लोगों को यहाँ पे 6 आवर्स के लिए ही सिर्फ वैलिड डेट मिल जाता है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आप लोग 6 आवर्स पहले आ जाएँ और डिपार्चर के 6 आवर पहले से आ जाए, मतलब सिख आपके फ्लाइट जो है फ्लाइट के 6 घंटे पहले आ जाए। एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जब हमने आया तो PCR टेस्टिंग जो है यहाँ पे 6 घंटे पहले हो रहा है। तो जो पहले से टेस्टिंग आदमी करके आया है उसका भी और जो नहीं करके आया है उसका भी यहाँ पे 6 घंटे तक ही वैलिड है। और यहाँ पर जो है आदमी यहाँ पर अभी रेपिड टेस्ट हो रहा है। आप लोग चेन्नई एयरपोर्ट आते हैं तो आप लोग को काफ़ी हिंदी में परेशानियां हो सकती है, तो आप लोग घबराए नहीं और अपना अच्छा से टेस्ट करा के जाए। और दोस्तों जो है मेरा अभी रिज़ल्ट आ गया है, वो बिल्कुल निगेटिव है और बहुत ही थैंक गॉड, भगवान को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चलता हूँ अपने अभी बज चुके हैं रात के 12 बजे और 12 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अब जो है अपने बोर्डिंग पास के लिए। और मेरा जो रिपोर्ट आया है वो निगेटिव आया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड हैं। और अपने बोर्डिंग पास के लिए वहाँ देखते हैं इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास के लिए दिखाते हैं। बोर्डिंग और दोस्तों जो है अभी रात के बज रहे हैं 2 और अभी जो है इमिग्रेशन और सारा चीज़ कंप्लीट हमने किया है और लगभग 2 घंटे लग गए हैं बोर्डिंग पास और पासपोर्ट निकालने में। तो आप लोग भी अगर आएँ तो लगभग 6 घंटा पहले आए और एयरपोर्ट पे और ताकि आप लोग पूरा काम जो है अच्छे से कर सकें। तो देख सकते हैं चेन्नई एयरपोर्ट पर अभी इस तरह का कुछ नज़ारा है, देखने को मिल जा रहेगा आप लोगों को। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आया था लगभग 8 बजे करीब में नाइट को, तो अभी हमको लगभग 2 बज गए हैं टेस्ट और तो जब टेस्ट और वगैरह सारा चीज़ कराने में तो काफ़ी टच समय लग गए हैं। तो आप लोग भी इसी समय को देखते हुए आए, ठीक है, ताकि आप लोग भी जो है अपना टाइम से सारा काम निपटा सकें। दोस्तों जो PCR टेस्ट है वो यहीं पे आकर के हो रहा है और उसके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं चाहिए, उसके लिए लगभग 1 घंटा समय आपके पास होगा, तो वो आराम से आप लोग टेस्ट करा करके रिपोर्ट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग PCR टेस्ट नहीं कराए हैं और यहीं पर आकर कराना है तो आप लोग 1 घंटा पहले आकर के अपना PCR टेस्ट करा सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स आगे बताते हैं। पहले के जैसा नहीं है, अभी एयरपोर्ट में आप लोगों को 6-7 घंटा पहले आना पड़ता है और सारी डिटेल्स सारी डॉक्यूमेंट्स आपको बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए,
ओरिजिनल होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा फ़्लाइट है सुबह के 5 बजे में, अभी बज रहे हैं 2, तो अभी 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगभग मेरा टाइम निकल गया चेक इन और रिपोर्ट लाने में और इमिग्रेशन कराने में और बोर्डिंग पास लेने में। दोस्तों अभी फ़िलहाल के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो आए आप लोग भी तो सारा डॉक्यूमेंट्स ओके करके लेके आएँ और सारी चीज़ें जो है इंश्योरेंस वीज़ा टिकट सारी चीज़ें आप लोगों को ओरिजिनल होना चाहिए और तभी आप लोगों को अंदर आने दिया जाएगा और आप लोगों को सारी चीज़ें ओरिजिनल अगर होगी तो आप लोगों को जाने दिया जाएगा, नहीं तो अन्यथा आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग आएँ तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें बढ़िया बना करके लेके आएँ। तो इस तरह से कुछ एयरपोर्ट पे अभी है नज़ारा देख सकते हैं, इसके पीछे जो है एक प्लेन आके खड़ी है और सुबह के 5 बजे फ्लाइट है और तो निकलेंगे सुबह 5 बजे, तब तक के लिए वेट करते हैं यहाँ पे और आप लोगों से बातचीत भी कर लिया करेंगे। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह के जो है स्टेडियम, तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है आपको टाइमिंग मिल जाएगा, टाइमिंग बताता है और इस तरह कैसे जो है आप लोगों को लाइट है और तब तक रेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ सुबह मिलते हैं आप लोग।